और काशी विश्वनाथ आए और ये जगह नहीं घूमी तो फिर काशी विश्वनाथ ही का घूमा। और यहाँ पे पूरे 80 घाट है, ये एक घाट है जहाँ पे हमेशा मातम का माहौल छाया रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम रुके हुए थे रेन बसेरा में और अभी जा रहे हैं वरी माता मंदिर, जो सिर्फ 2 घंटे के लिए खुला रहता है। तो चलिए चलते हैं, मुँह मुँह धोते हैं और निकलते हैं वहीं पे और आपको दर्शन कराते हैं। चलिए चलते हैं। आई होप आपने कल का ब्लॉग इंजॉय किया होगा। तो हम 15 मिनट लेट हो गए और यहाँ पे गेट बंद हो गया है तो आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हमें भैया लोग मिले थे जिससे आप मिलाएंगे, बता रहे थे वो ये भैया है और ये भी हमारी तरह निकले हुए हैं ऑल इंडिया ट्रेवल पे। और ये रहे, हाँ जी, राम राम सभी को। और भैया भी YouTube चैनल चलाते हैं, एक दो भैया निकले हैं। भाई को सपोर्ट करो यार, भाई बाइक पे कर रहे हैं, बाइक पे बोल रहा हूँ, साइकिल पे कर रहा है भाई ट्रैवल। हम तो चलो लोकल ट्रैवल कर रहे हैं। और भाई आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है भाई ड्रैगन विलेजर। ठीक है भाई, सपोर्ट करना भाई को यार। सो गाइस, अभी हम वापस जा रहे हैं, मंदिर में दर्शन तो नहीं कर पाए तो चले चलते हैं आगे की ओर। और पहले तो स्नान किया जाए, चलिए नहा लेते हैं। भैया ये जो मंदिर अपन अभी गए थे वहाँ पे जो बंद हो गया है, वहाँ की हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री का, वरही माता। हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे हिस्ट्री कहा जाता है कि यहाँ पे माता सत्य का कोई देगा हिस्सा गिरा है। अच्छा, किसरे यहाँ पे ना, ये हमारे क्या शक्तिपीठों में भी आता है। एंड इसकी स्टोरी ये है कि सिर्फ 2 घंटे खुलने का जो क्या है, यहाँ पे काशी में ना मतलब माता रात को निकलती है, काशी को प्रोटेक्ट करती है, मतलब काशी की रक्षा करती है। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे माता रात को निकलती है, गंगा में स्नान करती है, दिन बाद में पूरी सुरक्षा करती है काशी की, जिसके चलते है ना फिर माता क्या पूरा रात भर मतलब जागी रहती है, थक जाती है। इसी कारण माता चाहे ना सुबह पूरा सो जाए, इसलिए 2 घंटे। ठीक है, समझ गया ठीक है। और ये भैया भी हमारे तरह निकले हुए ऑल इंडिया ट्रेवल पे, तो प्लीज सपोर्ट, नीचे में डाल दूंगा लिंक। भाई को ज्यादा करना यार, ये साइकिल पे कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा करना। हम भी इसकी तरह नहीं, हम भी नहीं है, भाई भी नहीं है, बस लगे रहिए, लगे रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस हम नहा चुके हैं और अभी जा रहे हैं खाना खाने अन्नपूर्णिमा माता के मंदिर में। तो चलिए चलते हैं और वहीं पे मिलते हैं आपसे। चलिए, और हमारे भैया लोग भी हमारे साथ में हैं, आज वो चले जाएंगे। आज हम सोच रहे हैं आज भी यहीं पे रुक जाए, क्योंकि यहाँ पे आगे ऐसा लगाना है यार कि कुछ तो अलग है। तो आज भी हम यहीं पे रुक रहे हैं और चले चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो गाइस फाइनली हम भोजन करके आ चुके हैं और यहाँ पे जो भोजन मिला ना उसकी तो बात कहीं पे नहीं, ऐसा भोजन किसी मंदिर में नहीं मैंने देखा है। तो यहाँ पे खा के ना इतना आनंद आया ना, अभी बस जस्ट खा के निकले हैं। तो गाइस ये मणिकर्णिका घाट, और यहाँ पे ये घाट ऐसा है ना कि यहाँ पे 2400 घंटे आग जलती है। तो गाइस भैया लोगों चले गए हैं, 4 भैया लोगों चले गए हैं और एक भैया जी बचे हमारे साथ। तो आज भी हम यहीं पर रुके हुए हैं बनारस में, और देखते हैं कल निकलते हैं। और अभी फ़िलहाल में तो आरती इंजॉय करने निकल रहे हैं आज। और तो चलिए, Thank you.
साहब कितनी देर तक बजा है यार, पूरा 5 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ गया भैया। अभी टूटेगा 5 मिनट का अगर 14 के ऊपर हो गया तो। दो दिन से गिन रहा हूँ इसलिए मैं, 14 घंटे का। क्या बात कर रहे हैं, परसों कल नहीं थे ये अंकल, परसों थे। सो गाइस, अंकल जी ने पूरा 5 मिनट से ऊपर का अंक बजाया है, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबका। भाई यार बहुत शानदार यार, भाई साहब बहुत शानदार, बहुत इंजॉय किया है आरती आज के दिन। आज तो और फ्रंट पे बैठ के गया है, तो चलिए अभी चल रहे हैं फिलहाल में भोजन करने के लिए, मतलब खाना खाने जा रहे हैं। और फिर चार्जिंग मेरा मतलब मोबाइल में ख़त्म होने वाला है और पावर बैंक का भी डेट हो चुका है, तो चलिए अभी थोड़ी देर से आके आपसे मिलते हैं, अभी तो खाना खाने जा रहे हैं। चलिए, ये ब्लॉग में आपने देखा था देखिए, और यहाँ पे क्या ही सीन होता है गाइस, बहुत खतरनाक वाला, तबाही वाला। मैं इसका अलग से एक ब्लॉग डाल दिया था मैंने कल का ब्लॉग में, तो ये देखिए बस। चलिए अपन हम अभी जा रहे हैं, फिलहाल में खाना खा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं मणिकर्णिका घाट, और यहाँ पे ये वही श्रापित जगह है जहाँ पे हम भोलेनाथ ने यहाँ पे श्राप दिया था कि यहाँ पे हमेशा मातम का माहौल छाया रहेगा। और आज भी देखिए आप, जैसे देख सकते हो हमेशा 2400 घंटे एक दिन का एक सेकेंड भी नहीं ऐसा होता है कि यहाँ पे चिताएँ नहीं जलती है। और साथ में शिव जी तो भोले थे, मतलब अपने भोलेनाथ तो भोले थे, नाम ही से जाना जाता है कि भोले, तो वो भोले थे, इसलिए यहाँ पे एक वरदान भी दिया था उन्होंने कि जो भी यहाँ जिसकी भी यहाँ पे जिता जलेगी वो हमेशा के लिए मोक्ष पाएगा। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पे आ पाए हैं और ये नज़ारा देख पाए हैं। तो ले गाइस, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, इसे ब्यूटीफुल कह रहा हूँ तो आपको जितना लग रहा होगा, लेकिन यह जगह बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे शिव जी का वरदान दिया हुआ है, तो जन्नत से कम नहीं है, हमेशा के लिए मोक्ष पाने की जगह है। और काशी विश्वनाथ आए और ये जगह नहीं घूमी तो फिर काशी विश्वनाथ ही का घूमा। और यहाँ पे पूरे 80 घाट है, ये एक घाट है जहाँ पे हमेशा मातम का माहौल छाया रहता है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू और गुड नाइट। चलिए।